तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे के सारे गाइस। वेलकम टू भरत फ्यूरी व्लॉग्स। सो गाइस, फाइनली मैंने न्यू चैनल बना लिया है व्लॉगिंग के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डे टू डे लाइफ, जैसे कि आप मुझे इतने डीएम करते रहते थे इंस्टाग्राम पे कि भरत भाई आप भी डेली व्लॉग स्टार्ट करो। सो फाइनली मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि मैं आप सबको अपनी डे टू डे लाइफ दिखा सकूं। एंड जो मुझे जानते हैं उनको थैंक यू सो मच, एंड जो मुझे नहीं जानते मैं उन सबको बता दूं कि मैं एक ऑलरेडी यूट्यूबर हूं एंड मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूं। आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने मेन चैनल का। सो अब फाइनली यार व्लॉगिंग भी करनी है, आप सबकी इतनी डिमांड थी यार, मैंने बोला कोई बात नहीं यार, मतलब करेंगे, जो मर्जी हो जाए करेंगे। सो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि आज मैं क्या करता हूँ। आज का मेरा प्लान है ये कि अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मुझे निकलना है 7:30 बजे फोटोशूट पे। सो फटाफट से रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद भी दिन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, जिम जाना है और थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मतलब जो भी करूँगा मैं आप सबको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। सो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद निकलते हैं फोटोशूट पे क्योंकि लेट हो रहे हैं। ठीक है, सो गाइज मैं हो चुका हूँ रेडी और अब मैं वेट कर रहा हूँ दीप की कि वो फटाफट आए और हम चले क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार। सुबह सुबह इतने दिन बाद उठाऊ ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बाकी सामान वान तो ले लिया मैंने, वॉलेट ले लिया, हाँ वॉलेट भी ले लिया। सो अब दीप की वेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं फटाफट फोटो शूट पे। गाइज दीप भी आ चुका है रेडी होके अपना। गाइज ये वो लग रहा है आज भाई, तो वो लग रहा है पूरा एम ई वर्क। थैंक यू ब्रो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रो, मैं वॉच लाना भूल गया, कोई नहीं कोई बात नहीं। तो गाइस भाई को हमने पिक कर लिया है और भाई का नाम है आकाश और भाई का पेज आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी फोटोज खींचते हैं। तो आपको भी खिंचानी हो तो आप भी खिंचा सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं। तो अब हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं तो हम जल्दी से निकल लेते हैं और आपको लोकेशन पे मिलते हैं सीधा। तो गाइस मैं आपको साईं बाबा के दर्शन करा देता हूँ। ये साईं बाबा मंदिर है बहुत ज्यादा फेमस। क्या नाम है इस मंदिर का? साईं मेमोरियल। तो मैंने आपको घर बैठे बैठे दर्शन करा दिए साईं मंदिर के। तो जय हो भगवान जी की। और अब चलते हैं, चल सही है ना, सुबह सुबह भगवान को भी मिल लिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, हम आए हैं खान मार्केट। और खान मार्केट में ना जैसे शॉप्स के बाहर जैसे होता है ना ये, तो ये बहुत अच्छा अच्छा है। तो लोग यहाँ पे फोटोशूट्स वगैरह कराते रहते हैं। तो आज हम भी आए हैं घर के पास ही हमारे, बट हम आज पहली बार आए हैं। तो गाइज अभी मैंने 5-6 फोटो खिंचाई हैं और भाई ने 5-6 ही अच्छी खींच दी। तो अब हम आउटफिट चेंज करने जा रहे हैं, दीप ने भी करा लिया है इस आउटफिट में, ये भी चेंज करेगा। और अगर आपको ये सारी पिक्स देखनी है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो ये फोटोज़ आपको वहाँ दिखेंगी, तो फॉलो कर लेना वहाँ पे भी। एंड अब चलते हैं आउटफिट चेंज करने। गाइज लास्ट आउटफिट बचा, बस फटाफट उसमें फ़ोटो शूट करते हैं और निकलते हैं। पहले कुछ खा पी भी लेंगे उसके बाद निकलेंगे। हमने 3 आउटफिट में फोटोशूट करा लिया है, जल्दी से कराते हैं और निकलते हैं। चले भाई डन। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ पापा की शॉप पे, सोने का सीन कैंसिल। अब मैं बैठूंगा थोड़ी देर यहाँ पे एंड उसके बाद देखते हैं सोने को मिलेगा तो ठीक है, वरना फिर कहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काम पड़ता जाएगा तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो अब तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठना है, थोड़ा काम वाम कर लेते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। एंड यार मम्मी को चाय बोल दिया है, चाय बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह छोले भटूरे तो खा लिए, चाय नहीं पी तो सर दर्द हो रहा है, तो चाय आ जाए चाय एंजॉय करते। फाइनली मेरी चाय भी आ चुकी है।
सो गाइज मैं अभी उठ चुका हूँ और बहुत मस्त नींद आई है। मम्मी बना रही है अभी चाय, मेरी चाय वाय पियेंगे। मम्मी ने लगा रखी मेहंदी। मम्मी थोड़ी कैमरा शाय है और चाय पियेंगे और उसके बाद फोटोज दिखाता हूँ गाइज आपको। फोटोज आ चुकी हैं, नहीं नहीं इंस्टाग्राम पे जाके फोटोज इंस्टाग्राम पे। अरे मम्मी दो मिनट बस कर दो यार बर्तन। हेलो दो मिनट रुक जाओ, आवाज़ आ जाती है इसमें। कोई नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मम्मी को भी आज पहला दे देना, दिखा दूँ आपकी शक्ल मेहंदी में। दिखा दो क्या है? दिखा दो तो मम्मी को भी थोड़ा सा वैसा करना पड़ेगा ना कि इजी हो जाए, थोड़ा सा शर्माए वरमाए ना। ठीक है ठीक है, चलो चाय बनती है, चाय पीते हैं फटाफट। भाई ये मैगी वैगी क्यों दे दिया? मैं डाइट पे रहता हूँ, मुझे मत दो मैगी वैगी। अच्छा खुद ही बोला दे दो हैं, अब मैंने दिए तो कहता है क्यों दिया। अरे भाई मैं मैगी वैगी नहीं, मैं डाइट वाला बंदा हूँ, सबको पता ही है। ये भुजिया भुजिया ये खराब कर दी है शरीर को। और हाँ सही कह रहा हूँ, डाइट वाइट पे रहो। ये तो मतलब मैं बहुत 4 महीने से डाइट पे था, 4 महीने में मैंने अपनी बॉडी को चेंज करा है काफी हद तक। तुम मत खाना ठीक है, मैं तो मतलब अभी खा रहा हूँ यार थोड़े दिन, क्योंकि 4 महीने से बहुत ज्यादा डाइट हो रही थी। तो मैंने बोला चल थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देते हैं, नॉर्मल जो खाना पीना होता है वो खाते पीते हैं, उसके बाद आ जाएंगे हम भी। अब धीरे धीरे मैं भी डाइट पे वापसी आ रहा हूँ, बहुत खा लिया अब नहीं खाऊंगा पक्का। मैं आ चुका हूँ शॉप पे और अब मैं देख रहा हूँ फोटोज, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। फोटोज बहुत अच्छी आई हैं, मतलब पतला जब से हुआ हूँ ना मैं, मतलब कि थोड़ा सा फिट हुआ हूँ जब से, तो मतलब भाई अलग ही सीन लग रहा है मुझे तो। मतलब मैंने पहला फोटो शूट कराया मतलब जब से मैं फिट हुआ हूँ थोड़ा सा, उसके बाद तो मज़ा आ रहा है यार काफ़ी। ऐसे ही रहेंगे यार, थोड़ा डाइट वाइट करते रहेंगे तो अच्छे भी दिखते हैं तो मज़ा आता है। तो मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, बाकी आपको देखने तो आपको इंस्टाग्राम पे देखनी पड़ेगी मेरे। अब हो चुका है दुकान को क्लोज करने का टाइम, तो इसको क्लोज करते हैं एंड उसके बाद फटाफट चलते हैं जिम। एंड उसके बाद मेरा तो दिमाग में चल रहा है कि यार कुछ खाने पीने चलेंगे, मतलब सोच रहा हूँ, तो आप भी जा सकते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। बहुत ही मस्त है, बहुत ही टेस्टी है, मेरे को अभी से मन कर रहा है, बट जिम के बाद चलेंगे। पहले थोड़ा सा कसरत करके निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद खा लेंगे। तो अब मिलते हैं आपको सीधा जिम में, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके उसके बाद चलेंगे खाने पीने। मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है, बट जिम के बाद ही चलेंगे पक्का। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चनक्यपुरी में यशवंत पैलेस। यहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो मैं मोमोज खाने आ रहा था जो मैं आपको बता रहा था। तो हमने करा लिए हैं मोमोज और खाते हैं, मतलब मोमोज हर जगह मिलते हैं बट यहाँ के मोमोज ना, तो मोमोज आ गए हैं आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस बज चुके हैं 12 और मैं आ चुका हूँ घर, काफ़ी लेट हो गए, तो अब सोने की तैयारी करते हैं और आपसे मिलते हैं। यार घर में ना व्लॉग करना मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, शोर शोर होता रहता है। तो आपसे मिलते हैं न्यू व्लॉग में जल्दी, और आई होप सो आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, एंड मिलते हैं न्यू व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे कूल एंड आई लव यू ऑल।